नमस्कार साथियों, जय हिंद। तो भाई अभी आप लोगों ने जो हमारे लास्ट लेक्चर्स देखे हैं वो पूरे के पूरे किस पर बेस्ड थे? हमारे साइंस टेक का पहला पार्ट, और वो कौन सा था? इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या आखिर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है? फिर हमने सीखा था कि उसका इतिहास क्या है, कब कैसे कौन सी चीज बनी है, और उसके बाद हमने सीखा था कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स का मुख्य आधार है वो है इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी बैंड। वो कैसे काम करते हैं, क्या क्या करते हैं, उसको हमने सीखा। फिर हमने सेमीकंडक्टर्स की स्टडी की, और फिर हमने देखा था कि आखिर सेमीकंडक्टर्स के बेसिस पर या इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग करके हमने कौन कौन से उपकरण बनाए, माइक्रो प्रोसेसर हो, चाहे चिप हो, चाहे आपकी आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप हो, और चाहे आपके ट्रांजिस्टर्स हो, डायोड हो, ट्रायोड हो। फिर हमने सेमीकंडक्टर्स का बेस भी सीखा था कि आखिर सेमीकंडक्टर्स के बेस में हम कैसे कैसे क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक क्या है, पी प्रकार के अर्धचालक क्या है, नेगेटिव होल्स किसमें जनरेट होते हैं, पॉजिटिव होल्स किसमें जनरेट होते हैं। फिर हमने उसके बाद जो नई चीज सीखी थी वो ये थी कि आखिर जो बुलेट ट्रेन होता है उसका चलने का कॉन्सेप्ट क्या, और उसके बाद हमारे भारत में कैसे कैसे बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया आगे बढ़ी, और दुनिया में टीवी की दुनिया कैसे आगे बढ़ी। तो भाई आज इन सब का निचोड़, या सीधी सीधी बात कहें, आज हमें इन सब के एमसीक्यूज लगाने कि आखिर इसमें हमारे पास कौन कौन सी जानकारी आपने सहेज ली है और आप उसमें कितना कंफर्टेबल है। तो चलिए भाई सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक्स के एमसीक्यू को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है उसे आप आराम से देख सकते हैं, और पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है देखिए, किसी ट्रांजिस्टर का उपयोग हो सकता है। देखो भाई सबसे पहली बात तो यही आती है कि आखिर हमारा ट्रांजिस्टर है क्या, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि हम ऐसे एमसीक्यू लेकर आएंगे जिससे आपके थ्योरी में भी मदद मिलेगी, और यदि कोई पॉइंट्स जो कई बार नए नए जनरेट्स होते हैं वो आपको एमसीक्यू के माध्यम से मिल जाएंगे। तो सबसे पहली बात जब हम एमसीक्यू की देखते हैं तो हमारे सामने आता है कि आखिर ट्रांजिस्टर्स होते क्या है। तो देखो बेटा, ट्रांजिस्टर का मतलब होता है एक ऐसी डिवाइस, ट्रांजिस्टर का मतलब क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से या विद्युत आवेग को, या जो हमारे इलेक्ट्रिक इंपल्स होते हैं, विद्युत आवेग होता है, इसको क्या करती है, स्विच ऑफ ऑन कर सकती है, स्विच ऑफ ऑन कर सकती है। ऐसी डिवाइस को हम क्या बुलाते हैं, हमारा ट्रांजिस्टर। देखो भाई सीधी सी बात होती है कि आखिर ये क्या करेगा, स्विच ऑफ ऑन कर सकता है, ये हमारे बेटा पावर को एम्पलीफाई कर सकता है, मतलब कन्वर्ट भी कर सकता है, एम्पलीफाई। ये क्या कर रहा है, एम्पलीफाई भी कर सकता है। तो ये तो होते हैं हमारे ट्रांजिस्टर। तो आखिर इन ट्रांजिस्टर का जो सबसे पहले बनाया था, तो याद रखिए इसमें कितने लोगों का योगदान कहा जाता है, तीन। एक तो हमारे जॉन बेरिडिन, शायद आपको नाम याद हो, हमने पहले ही दिन सीखा था, जॉन बेरिडिन। उसके बाद बेटा हमारे शॉकले, दूसरा नाम इसमें हमारा किसका मिलता है, शॉकले का, और जो तीसरा नाम हमें मिलता है वो किसका है, ब्रिटेन का, ब्रिटेन नहीं भाई ब्रिटेन। तो देखो बा बा और शाह, बेरिडिन, शॉकले और ब्रिटेन, इन तीनों का कंबाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, जिन्होंने इस दुनिया में पहली बार ट्रांजिस्टर को डेवलप किया। अब सबसे बड़ी बात आती है कि आखिर इसका उपयोग कैसे हो सकता है। तो देखिए मैंने डेफिनेशन ही बता दी कि ऐसा एक डिवाइस जो किसी इलेक्ट्रिक विद्युत शक्ति को या इलेक्ट्रिक इंपल्स को बेटा क्या कर सकता है, स्विच ऑफ ऑन कर सकता है। तो जब वो स्विच ऑफ ऑन करेगा या उसको एम्पलीफाई कर सकता है, ऐसी डिवाइस ही क्या कहलाती है, हमारी ट्रांजिस्टर। और जाहिर सी बात है कि आपको ए और बी दोनों ऑप्शन में यही बात दिख रही है, तो फिर इसका मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। आपको हर चीज याद रखनी है कि आखिर ट्रांजिस्टर क्या होता है। तो भाई एक ऐसी डिवाइस, ये याद रखिए, जो विद्युत आवेग को बढ़ाती है या घटा सकती है, ऑन ऑफ कर सकती है, एक स्विचिंग कर सकती है, इलेक्ट्रॉन को जंप करवा सकती है, और साथ में ही ये क्या कर सकती है, एम्पलीफाई कर सकती है इन चीजों को। तो ये एम्पलीफाई करे या प्रवर्धक के रूप में काम करे, तो इन सब की प्रोसेस हमारी किसके थ्रू पूरी हो सकती है, ट्रांजिस्टर्स। और इनका आविष्कार किसके द्वारा किया गया, बेरिडिन, शॉकले और ब्रिटेन, तीन लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारी इस दुनिया में ट्रांजिस्टर के डेवलपमेंट में। पहला क्वेश्चन क्लियर। चलिए भाई हर एक पूरी जानकारी को लेना है, शॉर्ट नहीं रखना है। गर्मी के दिनों में पंखा चलाने से हमें आराम महसूस होता है। अब आप कहेंगे कि सर ये क्वेश्चन तो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का नहीं लग रहा है। तो देखो भाई इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में जो हमारे पंखे बनाए जाते हैं, तो हमने एक डिवाइस का उपयोग किया था, और वो हमारा क्या था, संधारित्र, या वो हमारा क्या था, कंडेंसर।
तो जो कंडेंसर होते हैं, जो संधारित्र होते हैं, वो हमारे विद्युत मोटर, मैंने कल भी, कल या परसों आपके लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर्स में चर्चा कर चुका हूं। तो जो कंडेंसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक रॉड को घुमा देते हैं। और कंडेंसर क्या है भाई, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो आखिर जो भाई पंखा चलता है उससे हमें गर्मियों के दिनों में राहत क्यों महसूस होती है, तो देखिए इसका सीधा सा कारण होता है, क्या पंखा ठंडी हवा देता है? नहीं भाई, पंखा है एसी नहीं है जो ठंडी हवा देगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, हमारा पसीना तेजी से बाष्पीकृत होता है। आपके सामने सही आंसर आ चुका है। होता क्या है कि जब हमारी बॉडी पर पसीना होता है, तो पसीना मतलब क्या है, पानी। और पानी क्या है कि जब वेपोराइज होता है, जब ये बाष्पीकृत होता है, तो अपने साथ साथ किसको उड़ाकर ले जाता है बेटा, ऊष्मा। और जब ये ऊष्मा को लेकर जाएगा, तो जब इसने सतह की ऊष्मा को ऊपर उड़ा दिया, तो बदले में हमारे शरीर में क्या महसूस होगी, ठंडक, क्योंकि ऊष्मा में कमी आती है। तो जो ऊष्मा में कमी हो गई, हमें मिल गई ठंडक। तो यही होता है पंखा चलाने का हमें फायदा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, पहले इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्धक की खोज किसने की, पहले इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर की खोज किसके द्वारा की गई है, बाय जे थॉमसन, या बेटा इसमें हमारे एम्ब्रोस फ्लेमिंग, या विलियम रॉन्टजन, या ली डे फॉरेस्ट। LD सही नहीं लिखा है, ये पूरा नाम क्या होता है, ली डे फॉरेस्ट। चलिए जल्दी से बताइए भाई इसका आंसर हमें क्या मिल सकता है। तो देखो भाई, सबसे पहली बात कि आखिर हमारा एम्पलीफायर करता क्या है। देखो बेटा, एम्पलीफायर का सीधा सीधा मतलब होता है कि ये क्या करता है बेटा, हमारा एक सर्किट होता है। और ये सर्किट क्या करेगा, देखिए यदि हम बात करें अपने एम्पलीफायर की, तो एम्पलीफायर क्या करता है कि एक ऐसा सर्किट होता है, ये क्या है भाई, एक सर्किट बनाता है। और इस सर्किट क्या करेगा कि इसके पास जो इलेक्ट्रिक इंपल्स आ रहे हैं, या जो विद्युत सिग्नल आ रहे हैं, उन विद्युत सिग्नल जब इससे होकर गुजरते हैं, तो ये एम्पलीफायर उसमें क्या कर देता है, परिवर्तन। ये याद रखिए कि एम्पलीफायर का सबसे जरूरी काम क्या होता है, कि जो भी हमारे इलेक्ट्रिक सिग्नल आते हैं, या जो भी बिजली आपूर्ति आप कर रहे हैं, ये उसके जो आउटपुट सिग्नल होता है, ये उसके आउटपुट सिग्नल को क्या कर देता है भाई, चेंज कर देता है। जो इसमें से निर्गम होगा सिग्नल्स का, वो अपने परिवर्तन के रूप में होंगे। तो इतनी महत्वपूर्ण खोज किस व्यक्ति के द्वारा की गई है, जे थॉमसन। तो देखो भाई, जे थॉमसन को हमेशा इलेक्ट्रॉन का आविष्कारक कहा जाता है। वही हम दूसरा देखें, एम्ब्रोस फ्लेमिंग। तो एम्ब्रोस फ्लेमिंग बेटा हमारे किससे जुड़े हुए हैं, एम्ब्रोस फ्लेमिंग हमें बेटा आगे जाकर आपके माइक्रोप्रोसेसर चिप के बीच की जो कंडीशन थी वहां पर नाम मिलता है। विलियम रॉन्टजन, रॉन्टजन का नाम आता है एक्सरे में। तो जाहिर सी बात है हमारे पास ले देकर जो सही आंसर बचा है वो कौन सा है, ली डे फॉरेस्ट। ली डे फॉरेस्ट ही वो व्यक्ति है जिन्होंने इस दुनिया में पहला एम्पलीफायर तैयार किया था। और एक बात याद रखिए कि यदि हम फॉरेस्ट, जो हमारे फॉरेस्ट जी हैं, और इसके साथ बेटा किसका नाम जोड़ दें, आर्मस्ट्रांग, किस किस को हम जोड़ दें, एक तो फॉरेस्ट को ले लें, और इसके साथ हम किसका नाम जोड़ दें, आर्मस्ट्रांग। तो फॉरेस्ट और आर्मस्ट्रांग दोनों को यदि हम एक साथ नाम रखें, तो इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया था, दौलित्र। इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया था, ऑसिलेटर। तो अब एक बात फिर से समझिए कि भाई हमारे पहले इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्धक, देखो सच बात तो ये है कि जब जे थॉमसन ने, वास्तव में जिन्हें हम बुलाते हैं कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की या इलेक्ट्रॉन नाम दिया, तो वास्तव में जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन नहीं ढूंढ रहे थे, ये तो एक कैथोड रे ट्यूब बना रहे थे। जे थॉमसन की जो कोशिश थी वो किसको लेकर थी, कैथोड रे ट्यूब को, क्योंकि उस समय टीवी के डेवलपमेंट की बात चल रही थी। हम एक ऐसा पर्दा चाह रहे थे जिससे कोई भी कण, इलेक्ट्रॉन तो पता नहीं था, जो प्रवर्धित होकर हमारे टीवी पर एक तेज किरणें प्रकाशित करे, जिससे सिग्नल कन्वर्ट होकर कुछ टीवी जैसा प्रकाशन करे। लेकिन उसकी पहली पीढ़ी क्या होती है, जो पहला चरण होता है, पहली सीढ़ी होती है, वो किसका होता है, कैथोड रे ट्यूब का विकास। और कैथोड रे ट्यूब के विकास करने के दौरान जे थॉमसन ने क्या खोज लिया था बेटा, इलेक्ट्रॉन। एम्ब्रोस फ्लेमिंग, इनका नाम आप आईसी सर्किट्स के आगे पढ़ते हैं। विलियम रॉन्टजन, इन्होंने एक्सरे बनाया था, क्योंकि उस समय वो दौर चल रहा था, उस समय जो पूरा का पूरा दौर था वो एक एनी डिवाइसों को बनाने पर लगे हुए थे। क्योंकि सच बात तो ये थी, ये वो दौर था जब बेटा हर व्यक्ति फिजिक्स के क्षेत्र में, इलेक्ट्रिकल्स के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में बड़ी तेजी से काम कर रहा था। और इसीलिए आज भी देखिए मोबाइल में आपके कितने नए नए वर्जन आते हैं, नए नए फीचर्स आते हैं। तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया तो है ही, इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया को उन्होंने आईटी के साथ मर्ज कर दिया, और देखिए आज ब्रांच कितनी डेवलप हो रही।
तो भाई जो रोंटजन थे इन्होंने एक्सरे बना लिया था, आगे शायद हो सकता है क्वेश्चन भी मिले आपको। और जो हमारा क्वेश्चन था, पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्धक या एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या होगा? जो हमारी विद्युत आपूर्ति या इलेक्ट्रिक इंपल्स को आउटपुट के फॉर्म में चेंज कर देता है, ऐसी ही युक्ति को हम क्या बुलाते हैं? एम्पलीफायर। और इसका विकास किसके द्वारा किया गया? तो नाम याद रखिए, लीडे फॉरेस्ट। लेकिन इसके बाद अगला क्वेश्चन भी तैयार करिए कि फॉरेस्ट और आर्मस्ट्रांग दोनों को मिलाकर, दोनों ने मिलाकर एक नया उपकरण बनाया था जिसका नाम क्या होता है? दौलित्र या ऑसिलेटर। अब ये ऑसिलेटर क्या होता है? वास्तव में ऑसिलेटर वो युक्ति होती है जो आपकी किसी भी डेटा को, जो किसी भी डेटा को या सूचना को किसमें कन्वर्ट कर देती है बेटा? सिग्नल्स में। याद रखिए इसका महत्वपूर्ण काम क्या होता है कि सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देती है। जैसे एक बात समझिए, जैसे आप व्हाट्सएप पर किसी की फोटो सेंड कर रहे हैं, तो जो आपने फोटो ली है, फोटो अपने आप में क्या है? प्रकाश किरण है। और प्रकाश किरणों को आपके मोबाइल की चिप पर या मोबाइल की मेमोरी पर उसे स्टोर किया गया। तो भाई जो लाइट वेव थी, जो प्रकाश किरणें थी, उसे हमने डेटा के रूप में सेव कर लिया। तो भाई लाइट रेज को उस डेटा में कन्वर्ट किस उपकरण के द्वारा किया जाएगा? आपके ऑसिलेटर, आपका दौलित्र। और दौलित्र किससे बनता है बेटा? ये बनता है एम्पलीफायर से। ये समझ में नहीं आता, बड़े छोटे छोटे से सर्किट्स होते हैं, छोटे छोटे सॉकेट्स होते हैं। तो आखिर इसने क्या किया कि जो लाइट वेव्स थी उसे किसमें कन्वर्ट कर दिया? बाइनरी सिग्नल या कंप्यूटर के डेटा में। मतलब सिग्नल बदल दिया ना आपका, क्योंकि आपकी लाइट वेव्स थी और हमने उसे किसमें कन्वर्ट कर दिया है? सिग्नल्स में। तो ए बेटा जिसके द्वारा किया जाएगा वो हमारे क्या होते हैं? दौलित्र। और दौलित्र का आधार ही क्या होता है? एम्पलीफायर। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन के आगे। अति चालकता की खोज किसने की? क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि अति चालकता क्या है? मतलब अति चालकता की खोज किसने की? देखो बेटा इसका सीधा सीधा हम आंसर की बात करें, कैमर लिंग ऑन्स। लेकिन इसमें एक नहीं कई बातें हैं जो मुझे आपको बतानी है। सबसे पहले तो याद रखिए कि हमारे पास कोई भी धातु होती है या कोई भी मेटल होती है, तो मेटल कैसी होती है? चालक। जो मेटल होती है वो हमेशा कैसी होती है? कंडक्टर्स। चालक का मतलब होता है भाई ऐसे पदार्थ जिनमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो उनमें विद्युत धारा आगे बढ़ जाती है, दैट आर कॉल्ड कंडक्टर्स। अब धातुओं की क्वालिटी क्या होती है कि यदि हम चालक का टेम्परेचर बढ़ाएं, इसका हम तापमान क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। तो याद रखिए इनका टेम्परेचर बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध भी बढ़ता है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या होता है धातुओं में, यदि हम चालक का तापमान बढ़ाएं तो उनका प्रतिरोध भी बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध भी इंक्रीज होता है। लेकिन यदि हम इसकी उल्टी बात करें कि यदि हम धातुओं का या चालकों का टेम्परेचर कम करते हैं, तो याद रखिए इनका प्रतिरोध भी कैसा हो जाएगा? कम। यदि आप धातुओं को ठंडा रखते हैं तो इनका रेजिस्टेंस भी कैसा रहता है? कम। इसीलिए आप देखिए आपके कंप्यूटर डिवाइस में जो सीपीयू लगा होता है, उस सीपीयू में एक पीछे फैन होता है, कई बार आपने महसूस किया होगा, वो गर्म हवा फेंकता है। अब वो हम क्यों रखते हैं? क्योंकि जब अंदर सर्किट्स अपना अपना काम कर रहे होंगे तो वो छोटा सा पंखा होता है, वो हवा कहां फेंकता है? बाहर। और वो हवा ऐसी वैसी नहीं बेटा, गर्म हवा होती है। क्यों? क्योंकि सर्किट्स, यदि तापमान अंदर ज्यादा बढ़ेगा तो सर्किट का प्रतिरोध भी बढ़ेगा, तो ऐसा होने पर हमारा बेटा पूरा प्रतिरोध जनरेट हो गया तो सही से आउटफ्लो नहीं बनेगा। तो वो फैन क्या करता है? आपकी गर्म हवा को बाहर फेंकता है। तो ठंडा रखना जरूरी है, लेकिन वहीं पर आपके कैमरलिंग ऑन्स, याद रखिए कैमरलिंग ऑन्स ने एक नई बात का पता लगाया। इन्होंने कहा कि यदि हम धातुओं का तापमान बेहद ठंडा कर दें, धातुओं का तापमान हम कैसा कर दें? बहुत ज्यादा ठंडा कर दें, तो यदि आप इन्हें बहुत ज्यादा ठंडा करते हो तो ऐसा करने पर इनका प्रतिरोध या इनका रेजिस्टेंस कितना हो जाता है? जीरो। याद रखिए सीधा सीधा पॉइंट क्या कहा जा रहा है इसमें कि भाई प्रतिरोध जीरो करना भी संभव होता है। और जीरो प्रतिरोध कब होगा? जब हम धातुओं को ऐसे वैसे नहीं, बहुत ज्यादा ठंडा कर दे। और कैमरलिंग ऑन्स ने ये बात सबसे पहले जिस मेटल में पता लगाई थी, वो मेटल हमारी क्या थी? पारा। इन्होंने बताया कि यदि पारे को हम 4.2 केल्विन, याद रखिए कितना है बेटा? केल्विन में, ना कि सेल्सियस में। इनका कहना था कि यदि हम पारे को 4.2 केल्विन तापमान तक ठंडा करते हैं तो उसका प्रतिरोध जीरो हो जाता है, और जीरो होना यही गुण क्या कहलाती है? अति चालकता। हर एक पॉइंट समझिए।
यही गुण हमारा क्या कहलाता है, अति चालकता। फिर इन्होंने इसमें आगे बताया, एक्चुअल में इनके नहीं, फिर आगे जाकर बेटा एक व्यक्ति चर्चा में आए जिनका नाम था कूपर। कौन थे भाई? कूपर। कूपर ने बताया कि आखिर प्रतिरोध जीरो होने का कारण क्या होता है। तो कूपर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन हमेशा, जब हम सुपर कंडक्टिविटी में आते हैं तो इलेक्ट्रॉन हमेशा जोड़े के रूप में चलने लगते हैं। सुपर कंडक्टिविटी में या अति चालकता में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक अकेला ना जाकर कैसे जाता है, जोड़े के रूप में। और जब ये जोड़े के रूप में चलता है तो इनके मार्ग में मिलने वाला प्रतिरोध कैसा हो जाता है, शून्य। और कूपर ने इस जोड़े को ही बेटा क्या नाम दिया कि एक दूसरे से ये किसके द्वारा बंधे होते हैं, कूपर बॉन्ड के द्वारा बंधे होते हैं। अब इसी पॉइंट के आधार पर अगली व्याख्या जिसकी की जाती है वो होता है मॉइजनर प्रभाव। देखिए क्वेश्चन एक है लेकिन हमें कई सारे अपने डाउट्स को क्लियर करना है। मॉइजनर इफेक्ट, मॉइजनर प्रभाव क्या होता है? एक्चुअल में इस प्रभाव में एक बात बताई गई है कि यदि किसी चुंबक के ऊपर, किसी मैग्नेट के ऊपर हम क्या कर दें, किसी अति चालक पदार्थ को रख दें। आपके नीचे तो क्या है भाई, मैग्नेट है, और ऊपर आपने क्या रख दिया है, अति चालक पदार्थ। तो अति चालक पदार्थ कुछ भी कर लो इसके पास नहीं आता, वो इसे आगे की तरफ पुश करता है, और इसी को हम क्या बुलाते हैं, मॉइजनर प्रभाव। और यही टेक्निक, यही तकनीक किसका आधार बन गई, यही आधार बन गई हमारी बुलेट ट्रेन का। तो यदि क्वेश्चन आ जाता है कि भाई बुलेट ट्रेन का बेस क्या होता है, तो वो होता है मॉइजनर इफेक्ट। क्योंकि बुलेट ट्रेन में ट्रेन की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि पटरियां जलकर खाक हो सकती हैं, या बेटा उससे इतना फटाफट उनकी डैमेज हो सकता है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि मॉइजनर इफेक्ट पैदा कर देते हैं, जिससे बेटा उनके जो पहिए होते हैं वो मॉइजनर के कारण सुपर कंडक्टिविटी में आ जाते हैं। नीचे पटरियों में हम मैग्नेटिज्म प्रवाहित करते हैं, जिससे ट्रेन जब स्पीड पकड़ती है तो वो उस पहियों पर बेटा चिपकती नहीं है, थोड़ा सा ऊपर आ जाती है, और जैसे ही स्पीड डाउन करेंगे वो वापस कहां पहुंच जाएगी, पटरियों पर। तो बुलेट ट्रेन के लिए मॉइजनर प्रभाव, और इसके लिए याद रखिए कूपर बॉन्ड। और ये सब सिलसिला कब चालू हुआ, जब कैमरलिंग ऑन्स के द्वारा सुपर कंडक्टिविटी की खोज हुई थी। और याद रखिए जो सुपर आपके कंप्यूटर्स होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स वो इसलिए सुपर है क्योंकि वो बहुत बड़ी कैलकुलेशन को जरा से सेकेंड्स में कर सकते हैं। और ये सब कब संभव है, जब अंदर जो सर्किट्स बनाए गए हैं उनमें धारा का कोई प्रतिरोध ना हो, इसलिए वहां पर भी सुपर कंडक्टिविटी हमारे बहुत काम में आती है। या कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वास्तव में सुपर कंडक्टिविटी की खोज के कारण ही हमारे सुपर कंप्यूटर्स का आगे डेवलपमेंट आसान हो पाया। इसलिए जहां पर सुपर कंप्यूटर्स लगे होते हैं उस चैम्बर का टेम्परेचर काफी ठंडा होता है, वहां का तापमान काफी कम रखा जाता है ताकि हमें रेजिस्टेंस कम से कम मिले और ताकि हम अपने सुपर कंप्यूटर को डेवलप कर सके। क्लियर है? अब हम देखते हैं इसके आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी एवं संबंधित क्षेत्रों में शोध एवं विकास करने की मुख्य इकाई कौन सी है? तो देखो भाई, इसकी हम आपसे सीधी सीधी बात कहें तो 1988 में, डायरेक्ट आंसर नहीं दे रहा हूं, पहले पूरा डिस्कस कर लूं, 1988 में हमारे महाराष्ट्र के एक शहर पुणे में एक इंपॉर्टेंट संस्थान खोला गया जिसका नाम क्या था, सीडेक। इस संस्थान का नाम क्या था भाई, सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये नाम याद रखिए क्योंकि इस समय हमारे देश में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में और आईटी के क्षेत्र में जितना भी एक कंबाइंड इंपैक्ट होता है तो वो सब किस में होता है भाई, सीडेक में। और जरूर आपने सुना ही होगा कि सीडेक समय समय पर सुपर कंप्यूटर्स को भी डेवलप कर चुका है। और आपके आसपास जो आईटी सेक्टर से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं, आप कई बार पढ़ते लीजिए, आप आराम से देख सकते हैं, जो अपने आसपास के कई व्यक्ति होते हैं वो सीडेक वगैरह से बेटा डिप्लोमा करके आते हैं और उनकी जॉब में काफी अपॉर्चुनिटी रहती है। क्योंकि सीडेक बेटा वास्तव में, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ये मिनिस्ट्री के द्वारा अप्रूव्ड होता है और उसके एक सहायक के रूप में भूमिका निभाता है, तो फिर आपका सही आंसर क्या होगा, सीडेक। इसमें ई लिखा है बेटा, ये ई नहीं होता, ए होता है डी ए सी, सीडेक। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व की प्रमुख टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने अपना विकास केंद्र
आईडीसी सुविधा प्रारंभ की है। कहां पर की है? इंदौर मध्य प्रदेश में, नोएडा उत्तर प्रदेश में। तो देखो बेटा आईडीसी, एक्चुअल में आईडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? इंडियन इंडियन डेवलपमेंट सेंटर। और ये एक्चुअल में बेटा एक प्राइवेट संस्थान के द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है, और उस प्राइवेट संस्थान का नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट। वही माइक्रोसॉफ्ट जिसका हेडक्वार्टर कहां है बेटा? वाशिंगटन। और ये वाशिंगटन कहां है भाई? अमेरिका। तो देखिए इस पे हम हर एक जुड़ी हुई बात करें कि जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट है, नो डाउट आज के समय पर एक बहुत बड़ी कंपनी है, आप जितना बड़ा सोच सकते हो उससे भी बड़ी है। तो आईटी सेक्टर्स में इसका एक अलग ही क्रेज है, और आप जितने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज चलाते हैं, आप अपना एक्सपी यूज करते हैं, एक्सेल यूज करते हैं, आप पावर पॉइंट यूज करते हैं, वर्ड यूज करते हैं, तो ये सब किसके द्वारा डेवलप किया गया? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की यदि हम बात करें तो भाई माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एक कब बनी थी? तो याद रखिए बेटा इसका फाउंडिंग ईयर है आपका 1975। किसके द्वारा की गई थी? बिल गेट्स। किसके द्वारा एक कंपनी बनाई गई थी? बिल गेट्स। और सोचिए बिल गेट्स की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने काफी तरक्की की, लेकिन कितनी हमारी गौरवशाली बात है कि आज इसके जो सीईओ है वो सीईओ कौन है? हमारे इंडियन सत्या नडेला। ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखना चाहिए कि जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसके सीईओ कौन है? सत्या नडेला। और सत्या नडेला अकेले सभी फैसले नहीं लेते हैं, इनका एक 22 डायरेक्टर या 22 सीईओ पोस्ट भी बनाई गई है, और इसमें इस काम में इनकी मदद कौन करते हैं? तो वो है भाई ब्रॉड स्मिथ। याद रखिए सत्या नडेला की मदद कौन करते हैं? ब्रॉड स्मिथ। और अब जो बिल गेट्स हैं, इन्होंने अपने पद कंपनी में इंटरफेयर तो रखेंगे ही क्योंकि ज्यादा शेयर इनके, लेकिन अब वो कैसे बन चुके हैं? टेक्निकल है कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं आऊंगा, नहीं तो भाई मैं तो चैरिटी कर रहा हूं और इतना पैसा कमाया, थोड़ा तो यूज भी कर लूं, तो भाई जीवन भर निकल गया। तो देखिए क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने हर देश में अपने अपने क्या बना रखे हैं? हेडक्वार्टर। कई देशों में नहीं भी बनाए, दूसरे देशों से ऑपरेट भी कर सकते हैं। तो जो हमारे इंडिया है बेटा, तो याद रखिए इंडिया में माइक्रोसॉफ्ट का जो हेडक्वार्टर है वो इंडियन माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर कहां पर जनरेट किया गया है? आपके हैदराबाद। ये कहां पर खोला गया है? हैदराबाद। और ये हैदराबाद में खोलने के बाद जब इन्हें और अपने ऑफिस खोलने की जरूरत पड़ी जहां पर ये रिसर्च को बढ़ावा दे सकते हैं, तो उन रिसर्च वाले सेंटर्स को ही कहा जाता है आईडीसी, इंडिया डेवलपमेंट सेंटर। और इन सेंटर्स डायरेक्टली बात है किससे जुड़े हुए? माइक्रोसॉफ्ट से। और अभी जो लेटेस्ट बनाया है, याद रखिए जो लेटेस्ट बनाए क्योंकि एक नहीं कई सेंटर्स हैं, तो जो लेटेस्ट हमें मिलता है वो कहां है? नोएडा उत्तर प्रदेश। इंदौर, एमपी वाले इंदौर सुन के खुश हो जाते हैं, चलो हमारे राज्य में कुछ खुला, लेकिन इसका सही आंसर क्या है? नोएडा यूपी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सीमेट किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? देखो भाई सीमेट क्या है क्या नहीं है वो सब बाद में सोचिए। जाहिर सी बात है कि जब इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देख सकते हैं कि एक ऑप्शन आपको साफ साफ दिख रहा है, तो कई बार पेपर में यदि एक्यूरेट चीजें नहीं मिलती हैं तो इतना तो हम गैस कर सकते हैं कि जो भारत का सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय उसी के अंडर में कहीं ना कहीं सीमेट आपका काम करेगा। तो यदि हम सीमेट की बात करें तो सीमेट की फुल फॉर्म होती है सेंटर फॉर मटेरियल्स। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सेंटर फॉर मटेरियल्स, सेंटर फॉर मटेरियल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी। ये जाहिर सी बात है किसके लिए बढ़ावा दे रहा है? ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की टेक्नोलॉजी को बढ़ाने को लेकर। तो भाई ये किसके अंडर में काम करेगा? तो सीधी सी बात है ये किसके अंडर में काम करता है? ये करता है सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। जो मैंने आपको लास्ट में पूरे टेबल बना के याद करवाया था उसको आप जरूर देख लें, उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसकी स्थापना कहां पर की गई है? तो ये भी याद रखिए 1990 पुणे, 1990 पुणे में इसकी स्थापना की गई है, सेंटर फॉर मटेरियल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी सीमेट। और इसका पूरा का पूरा काम ही क्या होता है कि भारत में, हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया का विकास करना। क्लियर हुआ? चलिए अब हम देखते हैं अगला। स्प्लाइसिंग प्रोसेस क्या है? स्प्लाइसिंग काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। स्प्लाइसिंग एक्चुअल में यदि हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर केबल के टुकड़ों को बांटना, ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंतिम छोर को अलग करना, दो छोरों को फ्यूज करना,
सही आंसर क्या है बेटा इसमें, एक्चुअल में स्प्लाइसिंग दो जगह मिलेगा आपको, एक तो बायोलॉजी के क्षेत्र में भी मिलता है, यदि हम बायोलॉजी में देखें तो भी हमें स्प्लाइसिंग वर्ड मिलता है, और वहीं पर हम दूसरा देखें तो भाई जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स है इस दुनिया में भी हमें क्या मिलता है, स्प्लाइसिंग वर्ड। क्योंकि होता क्या है कि ऑप्टिकल फाइबर, आजकल देखिए आपके जो ब्रॉडबैंड लग रहे हैं, जो इंटरनेट लग रहे हैं, वो सब कैसे लग रहे हैं, फाइबर बेस्ड लग रहे हैं, जैसे जियो 5G है, एयरटेल 5G है, तो बेटा ये सब क्या ऑप्टिकल फाइबर है, जो तो ये सब क्या करते हैं, इसमें ऑप्टिकल फाइबर का जो एक पतला सा वायर होता है, याद रखिए ऑप्टिकल फाइबर का एक पतला सा वायर होता है, उस पतले से वायर को आपस में जोड़ना बड़ी ही टेढ़ी खीर होती है। कभी आपने देखा हो ऐसा नहीं जैसा हम घर में करते हैं कि ऐसे ऐसे तार को मोड़ दिया, बोले भैया जुड़ गया ना, ऑप्टिकल फाइबर को प्रॉपर फ्यूज करना होता है, और ऑप्टिकल फाइबर की वो फ्यूजिंग टेक्निक को ही हम क्या बुलाते हैं, स्प्लाइसिंग। एक्चुअल में होता क्या है कि जो ऑप्टिकल फाइबर है वो TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, और ऐसे में आपने जरा सा भी उसके टुकड़े को गलत जोड़ दिया तो बेटा मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि उन रेज का पूरा फ्लक्चुएशन कन्वर्ट हो सकता है, इसीलिए हम इन्हें आपस में सही से फ्यूज करते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, स्प्लाइसिंग। बायोलॉजी में स्प्लाइसिंग कहां आता है, तो याद रखिए यदि हम आरएनए के किन्हीं टुकड़ों को आपस में जोड़ना चाहते हैं तो इनकी जोड़ने की प्रोसेस ही क्या कहलाती है, स्प्लाइसिंग। मतलब सीधा सीधा स्प्लाइसिंग शब्द का यूज किसके लिए किया जाता है, आपस में फ्यूज करने के लिए। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, किसे वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में जाना जाता है, ये कौन सी चीज है जिसे हम वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में जानते हैं। तो देखो भाई सीधी सीधी बात है, वोल्टेज रेगुलेटर होता क्या है, रेगुलेटर को मतलब होता है टू रेगुलेट समथिंग, किसी को नियंत्रित रखना। तो भाई एक काम हमारे घरों में किसके द्वारा किया जाता है, डायोड। एक्चुअल में हमारे साइंटिस्ट जो अमेरिका के थे उनका नाम था जीनर, और जीनर ने एक डायोड बनाया था जिसका पूरा नाम रखा उन्होंने जीनर डायोड, पूरा नाम क्या रखा है इसका, जीनर डायोड। अब ये डायोड क्या करता है कि हमारे घरों में जब हम इसे लगा देते हैं तो ये क्या करता है कि यदि घरों में वोल्टेज ज्यादा आ रहा है तो बेटा उस वोल्टेज को मैनेज कर लेता है, जैसे आपकी एमसीबी काम करती है लाइक समथिंग कुछ ऐसा ही है, तो जैसे हमारे एमसीबी वगैरह काम करती है तो इसकी उसके काम करने की प्रक्रिया कुछ उसी से मिलती जुलती है। तो एक्चुअल में ये करता क्या है कि वोल्टेज ज्यादा आ रहा है तो एक्स्ट्रा वोल्टेज को आगे फ्लक्चुएट करने से रोक देता है, या इसके इलेक्ट्रॉन स्विच हो जाते हैं तो आपका सर्किट वहीं ब्रेक हो जाएगा, या ये क्या करेगा बेटा कि जितना एक्स्ट्रा वोल्टेज आ रहा है उसे कन्वर्ट करके दोबारा अलग हिस्से से लौटा देता है। तो ये सभी प्रोसेस क्या होती है, जीनर डायोड, और ये हमारे हर जगह काम में आता है, चाहे हमारे माइक्रो प्रोसेसर हो, कंप्यूटर के सीपीयू हो, या आपके मोबाइल स्विच हो, हर जगह काम में आता है। हैलोजन लैंप का तंतु निम्न मिश्र धातु का बना होता है। देखो भाई हैलोजन लैंप कहां होते हैं, तो जैसे कि हम देखते हैं हमारे सड़क किनारे, आजकल तो सड़क किनारे पर जो लाइटें लगती हैं वो होती हैं सोडियम परावर्तक लैंप, तो उन्हें हम क्या बुलाते हैं, सोडियम। आपने देखा होगा कि नॉर्मली क्या होता है कि जैसे हम देखते हैं हमारे गलियों में जो बल्ब लगे होते हैं उनकी डिजाइन पहले कुछ ऐसा हुआ करती थी, आजकल तो एलईडी बल्ब लग गए हर जगह, तो उसमें दो तीन क्वेश्चन जो आपके बन सकते हैं, तो याद रखिए कि इसमें जो बल्ब होता है वो बल्ब क्या होता है, सोडियम फिलामेंट। जाहिर सी बात है कि इसमें टंगस्टन के साथ किसका यूज करते हैं, सोडियम का, इसलिए इसका नाम ही क्या होता है, सोडियम परावर्तक लैंप। और इसमें एक मिरर लगा होता है, और ये मिरर कौन सा होता है, उत्तल। ये भी आपको याद रखना है कि इसमें एक मिरर लगा होता है और वो मिरर कौन सा होता है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर की सहायता से ही ये लाइट को काफी ज्यादा बड़े स्तर पर फैला देता है, तो यही सिद्धांत किसमें काम करता है, हैलोजन लैंप में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी अर्धचालक की चालकता। अब तो आप बता ही सकते हो, मैंने कुछ ही देर पहले आपको अर्धचालक पूरा समझाया था, अब अर्धचालक क्या होते हैं समझते हैं। देखो भाई अर्धचालक जिनकी चालकता चालक और कुचालक दोनों के बीच की होती है, तो सेमीकंडक्टर्स का मामला बिल्कुल ही अलग होता है। देखिए मैंने आपको अभी धातु वाला मामला समझाया था, मेटल्स वाला, कि धातु में ताप बढ़ाने से उनका प्रतिरोध भी बढ़ता है, और याद रखिए प्रतिरोध का उल्टा हिसाब किससे होता है, चालकता के साथ। इसका उल्टा रिश्ता किससे काम करता है, कंडक्टिविटी से। मतलब प्रतिरोध ज्यादा होगा तो चालकता कम होगी, प्रतिरोध कम होगा तो चालकता ज्यादा होगी।
लेकिन धातुओं की बात मैंने आपको समझाई थी, लेकिन हमारे अर्धचालक इस सब दुनिया से अलग होते हैं। अर्धचालक में क्या होता है कि यदि आप इनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनका टेम्परेचर बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध घटने लगता है। याद रखिए सबसे उल्टा प्रभाव, क्योंकि यही पुराने समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी कि धातुओं को जब हम यूज करते थे उनमें इलेक्ट्रॉन बहते थे तो उनका प्रतिरोध भी बढ़ जाता था, तो बहुत अच्छा फायदा नहीं मिलता था। लेकिन जब हमने धातुओं को हटा दिया, अर्धचालक इस्तेमाल किए, तो बड़ा अच्छा फायदा मिला कि जितना ज्यादा यूज करते जाओ, जितना ज्यादा गर्म होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा और चालकता उतनी ही बढ़ जाएगी। कौन सा आंसर हो गया है? बी बॉम्बे। ताप बढ़ने से उसकी चालकता बढ़ती है क्योंकि प्रतिरोध घटता है। क्लियर हुई ये बात? चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठोस पदार्थों में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा प्राप्त, देखिए मैंने आपको सेकेंड लेक्चर में ही समझाया था और आज भी मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि आखिर जो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया है वो किस पर काम करती है? इलेक्ट्रॉन्स के ऊर्जा बैंड पर, उनके एनर्जी बैंड्स पर। क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि आपका एक तो होता है संयोजी बैंड, बैलेंसिंग बॉन्ड बैंड सॉरी, और उसका ऊपर क्या होता है? कंडक्शन बैंड, चालन बैंड, और आखिर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर स्विच करता रहता है, तो यही हमारे क्या कहलाते हैं? ऊर्जा बैंड, या इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं भाई? एनर्जी बैंड। तो जाहिर सी बात है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होने वाला है? एनर्जी बैंड। फिर से देखिए, आपका रिवीजन करवाता हूं। सबसे पहले हम देखें तो इलेक्ट्रॉन से जो संतुलन के कारण, चूंकि एक पदार्थ में एक इलेक्ट्रॉन नहीं कई इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनके इलेक्ट्रॉन से जो ऊर्जा निकलती है वो एक दूसरे के साथ मिलकर एक गंभीर प्रभाव डालती, तो उनके एक दूसरे के प्रभाव के कारण जो संतुलन ऊर्जा मिलती है उसी को हम बुलाते हैं संयोजी बैंड। जहां पर सभी की ऊर्जा आपस में कैसी हो गई है? संयोजी हो गई है। अब वो एक दूसरे को परेशान नहीं कर रहे क्योंकि ये कैसा है? संतुलन में। और इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन स्विच होकर यदि हम इसे चार्ज अप करें, हीट दें, इलेक्ट्रिसिटी दें, तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन के ही इलेक्ट्रॉन जंप कर कहां पहुंच जाते हैं? हमारे चालन बैंड में, और इनका असर देखने को हमें मिलता है। और इसके बीच में जो तीसरा बैंड था वो कौन सा था? गैप बैंड। इसी को हमने क्या नाम दिया था? वर्जित बैंड। तो वास्तव में यदि हम देखें तो इन तीनों की जो एनर्जी रेंज है इन्हीं को एक साथ कहा जाता है ऊर्जा बंद बैंड, इन्हीं को एक साथ हम क्या बुलाते हैं? एनर्जी बैंड। और यही आपके इस क्वेश्चन का हो जाएगा सही आंसर कि ठोस पदार्थों में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा परास वो क्या कहलाती है भाई? हमारी एनर्जी बैंड कहलाती है। अगला क्वेश्चन की तरफ अब हम आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अर्धचालक है? देखिए ये एमपीपीएससी जो डीएसपी वैकेंसी होती है आपकी टेक्निकल वाली रेडियो, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक होता है? तो देखो बेटा एक बात याद रखिए कि यदि आपने अपनी पीरियोडिक टेबल कभी स्टडी किया हो तो जैसे एस ब्लॉक होता है, इधर पर आपका डी ब्लॉक होता है और डी ब्लॉक के बाद इधर हमें मिलता है पी ब्लॉक। शायद आपको कुछ ऐसी पीरियोडिक टेबल याद आई होगी, इधर हाइड्रोजन होता है तो इधर हीलियम भी होता है एक्स्ट्रा में। तो इसमें आप देखिए पहला ए वाला तत्व, फिर आपके दो ए वाले तत्व, तीन, फिर आपके बेटा दो ए वाले तत्व और एक आप लास्ट में जाएंगे तो इस साइड जाएंगे ए वाला तत्व। मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? सबसे पहले बोरॉन, बोरॉन के बाद बेटा याद रखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन जर्मेनियम के बाद कौन कौन से आते हैं? आर्सेनिक। और लास्ट में हमारा कौन आता है? एंटीमनी। लास्ट में कौन आता है भाई? एंटीमनी। एंटीमनी को हम क्या बुलाते हैं? एसबी। और एसबी के बाद हमारा कौन आता है? टेलुरियम, टीई। तो प्रमुख रूप से केवल दुनिया में ये छह तत्व हैं जो किसके रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं? अर्धचालक। पोलोनियम को हालांकि थोड़ा विवादित ही होता है वो, तो कई बार इसीलिए हम छह अर्धचालक पढ़ते हैं या कई बार सात पढ़ते हैं, लेकिन जो छह प्रिंसिपली यूज किए जाते हैं वो मुख्य रूप से छह कौन से हैं? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम। अब आप समझ सकते हैं कि इन सब के बीच में हमें जो ऑप्शन दिख रहा है वो सही आंसर हमारा क्या बन जाता है? जर्मेनियम। क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का संबंध किस देश से है? देखो भाई एलजी के ब्रांड, नो डाउट इस समय एलजी पूरी दुनिया का एक जाना माना ब्रांड है, चाहे आपके एसी हो, टीवी हो, हालांकि मोबाइल में तो उतना अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन घर के जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं
उसमें एलजी का नाम बहुत ज्यादा चलता है, वॉशिंग मशीन हो, टीवी हो। तो जो एलजी कंपनी है ये मूलतः किस देश की है? तो देखो भाई, जो एलजी कंपनी है जहां से आपकी सैमसंग कंपनी जुड़ी हुई है, सैमसंग कंपनी जिस देश से है वो देश कौन सा है? साउथ कोरिया। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारी एलजी कंपनी है वो एलजी कंपनी भी किस देश से जुड़ी है? साउथ कोरिया। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? यदि ये पूछा जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहां है? साउथ कोरिया की राजधानी सियोल। साउथ कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। और वहीं पर एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या है भाई? हेडक्वार्टर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के किन शहरों को भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हेतु चुना गया है? देखो भाई, पूरे हमारे भारत की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स हब आपको हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे काफी अच्छे खासे सेंटर्स मिलते हैं, क्योंकि जो हमारा भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड था BEL, उसकी स्थापना भी कहां की गई थी? बेंगलोर में। लेकिन ये किसकी बात है? हमारे देश की। और अब मध्य प्रदेश शासन चाहता है कि हमारे मध्य प्रदेश के भी शहर हैं वो इस क्षेत्र में आगे उनका नाम आए और वो भी डेवलप हो। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जिन दो शहरों को इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के विकास के लिए, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग जहां पर इनका उत्पादन ज्यादा होगा उसका हब तैयार किया जाएगा, तो इसके लिए मध्य प्रदेश शासन ने किसको टारगेट किया है? जबलपुर और भोपाल। याद रखिए, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किन दो क्षेत्रों के लिए इत तैयार किया गया है? तो वो है हमारे जबलपुर और भोपाल। क्लियर। चलिए भाई, अब हम देखते हैं इसके आगे, घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार है। भाई देखो, सिंपल सी बात थी ये तो बिल्कुल ही। चलो देखते हैं। एक तो भाई हमारे घरों में जो तार होते हैं वो वायर हमें एक तो मिलता है रेड, तीनों को ही क्लियर कर देता हूं, और एक तार कौन सा होता है घरेलू सर्किट्स में? ग्रीन। और घरेलू सर्किट्स में एक तीसरा तार कौन सा होता है? एक ब्लैक। जब आप कभी भी घर के स्विच बोर्ड देखिए तो उसमें तीन कलर के तार मिलते, तो जो हमारा लाल कलर का तार होता है ये एक्चुअल में किसको बताता है? फेस को। ये एक्चुअल में किसको बताता है? करंट को। और जो आपका बेटा हरे कलर का तार होता है ये होता है अर्थिंग के लिए। ये किसके लिए होता है? अर्थिंग के लिए, क्योंकि इसका कनेक्शन हम किससे रखते हैं? सीधा पृथ्वी से। और जो काले कलर का तार होता है ये उदासीन तार होता है। ये कैसा होता है? न्यूट्रल तार। एक्चुअल में एक छोटी सी बात मैं यहां पर बताऊं कि हमारे घरों में जो करंट आता है या जो आवेश आता है उसके लिए सबसे जरूरी क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। ये याद रखिए कि हमारे घरों में या एक शहर से दूसरे शहर पर जो भी लाइन सप्लाई होती है, बिजली आती है, उसके लिए सबसे जरूरी जो अपना आवश्यक चीज है, जरूरी जो तथ्य है वो क्या है कि इनके बीच में क्या हो चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। होता क्या है कि जैसे आपने यदि एक सर्किट बनाया और इसका वोल्टेज आपने रख दिया है 220 वोल्टेज, घरों में यही लाइट सप्लाई होती है, और दूसरा आपने सर्किट बनाया जिसका वोल्टेज आपने क्या कर दिया है? जीरो वोल्टेज। अब आप इन दोनों का कनेक्शन एक तार के द्वारा जोड़ दीजिए तो वो तार बेटा जैसे ही जोड़ा जाएगा फटाक से आवेश बहने लगेगा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। अब आपका मन है, आप इसमें अपने हिसाब से कमरे बना सकते हैं, कमरे में टीवी, पंखा, लाइट सब कुछ लगा सकते हैं, किचन बना सकते हैं, ओवन, हीटर सब कुछ लगा सकते हैं, आप डाइनिंग रूम बना सकते हैं, अपना स्टडी रूम बना सकते हैं, गेस्ट रूम बना सकते हैं, लेकिन सभी में यही कॉन्सेप्ट काम करेगा कि एक साइड तो सर्किट क्या होना चाहिए 220 वोल्टेज और दूसरी साइड सर्किट होना चाहिए जीरो वोल्टेज, क्योंकि जब हम इन्हें जोड़ते हैं तो आवेश या चार्ज हमेशा हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज जाता है और ये बहने लगते हैं और इनके रास्ते में जो भी उपकरण आते हैं ये उन्हें पर्याप्त ऊर्जा दे देते हैं और उनका काम चलने लगता है। क्लियर हुई बात? तो अब इसमें क्या है, इसीलिए बेटा जीरो वोल्टेज, क्योंकि जीरो वोल्टेज सबसे अच्छा किसका होता है? अर्थ का। पृथ्वी का विभव कितना माना जाता है? जीरो। क्योंकि पृथ्वी को आप कितना भी चार्ज दे दें ये बहुत भूखी होती है, इसका पेट कभी नहीं भरता, इसीलिए हम इसका पोटेंशियल कितना मानते हैं? जीरो मानते हैं। तो भाई ऐसे होती है हमारी घरों में सप्लाई। और एक एडिशनल तार के तौर पर हमेशा किसको रखते हैं? उदासीन। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किसी जगह पर आपका अर्थिंग प्रॉपर ना आ रही हो, तो थोड़ा ऐसे शरीर के रूप में कौन काम कर जाता है? उदासीन तार। और ये सप्लाई बेटा विद्युत विभाग अपनी तरफ से वो तो छोटे छोटे तार होते हैं उनकी सहायता से कर ही रहा है। क्लियर हुआ? चलिए अब हम देखते हैं अगला। लीजिए भाई, अब आ गई आपकी आईसी, एकीकृत परिपथ,
याद करो मैंने बताया था कि आईसी में कई सारे ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। ट्रांजिस्टर आज सबसे पहले ही बता चुका था, तो कई सारे ट्रांजिस्टर्स को एक साथ यूज करते हैं तो वो एक पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने में किस किस का योगदान है, तो इसमें रॉबर्ट ए बिटन, नाम गलत लिखा हुआ है, रॉबर्ट नॉर्थ नहीं होता, ए होता है रॉबर्ट नॉइस। ए क्या होते हैं, नॉइस। तो देखिए अब हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी। तो देखो भाई आईसी के रूप में सबसे ज्यादा आपने नाम किसका सुना होगा, जैक किल्वी। क्या आखिर आईसी किसने बनाई थी, तो भाई जैक किल्वी ने थी। लेकिन वास्तव में जैक किल्वी अकेले फाउंडर नहीं थे, जैक किल्वी के साथ और किसने मिलकर काम किया था, रॉबर्ट नॉइसे ने कहा जाता है। और इसका बेस तो वास्तव में रॉबर्ट नॉइसे ने ही बनाया था। तो वास्तव में आईसी बनाने का क्रेडिट दो साइंटिस्टों को दिया जाता है, रॉबर्ट नॉइसे और जैक किल्वी। इसीलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। याद रखिए आपके जैक किल्वी और रॉबर्ट नॉइसे दोनों का कंबाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन कहा जाता है आईसी के डेवलपमेंट के लिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अर्धचालक में अशुद्धियों को मिलाने वाली विधि को क्या कहते हैं। देखिए भाई मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि नॉर्मली हम बेस अर्धचालक के रूप में दो ही तत्वों का इस्तेमाल करते हैं, या तो हम सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं या हम करते हैं जर्मेनियम का। लेकिन जो सिलिकॉन और जर्मेनियम के सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स के पूरे गुण हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए हमें बाहर से इसमें पदार्थ मिलाने होते हैं। क्या है बेटा, इनकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए। तो इनकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए बाहर से जो पदार्थ मिलाए जाते हैं, तो बाहर से पदार्थ मिलाने की प्रक्रिया को ही हम क्या बुलाते हैं, डॉपिंग। भले ही नाम इसका अशुद्धि लिखा हुआ है, लेकिन याद रखना इससे सेमीकंडक्टर की क्वालिटी घटती नहीं है, उल्टी बढ़ जाती। अब बेटा डॉपिंग जैसे ही आप करते हैं वैसे ही इनके नाम रख दिए जाते हैं, क्योंकि यदि हम देखें तो बेटा ये दो प्रकार के होते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक। तो ये एन और पी किसके बेसिस पर बनते हैं, डॉपिंग के बेसिस पर। क्योंकि यदि आपने इसमें बोरोन मिला दिया तो ये कौन सा बन जाएगा, एन प्रकार का अर्धचालक, और यदि आप आर्सेनिक वगैरह मिलाते हैं तो ये कौन सा बन जाएगा, पी प्रकार का अर्धचालक। एन का मतलब होता है नेगेटिव होल्स, इसमें ऋणात्मक होल्स के रूप में करंट का प्रवाह या सूचना का प्रवाह होता है, और पी का मतलब होता है पॉजिटिव होल्स, इसमें जो होल्स बनते हैं तो वो कैसे होते हैं, धनात्मक होल्स होते हैं। तो जाहिर सी बात है सही आंसर हमें मिल चुका है कि किसी अर्धचालक में अशुद्धियों को मिलाने को या बाहरी पदार्थों के मिलाने को हम क्या नाम देते हैं, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डोपिंग। क्लियर हुआ, चलिए अब हम बढ़ते हैं भाई इससे आगे। एक्स किरणों का नामकरण किसने किया, देखिए आज मैंने पहले भी चर्चा की थी इस पर जब मैं अलग अलग साइंटिस्ट आपको बता रहा था। एक्चुअल में इसका सही आंसर क्या है, विलहेम रॉन्टजन। इन्होंने क्या बताया था कि कोई हैवी मेटल हो, क्या होनी चाहिए आपके पास, कोई हैवी मेटल। मान लीजिए इस हैवी मेटल के फॉर्म में हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, टंगस्टन का। तो यदि एक हैवी मेटल आपके पास है और आप इस पर किसकी बौछार करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स की। तो वास्तव में इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किया था उन्होंने क्या किया था कि एक भारी धातु पर किसको छोड़ दिया था, कैथोड रेज को, किसको छोड़ दिया था, इलेक्ट्रॉन्स को। एक ही चीज होती है, या तो आप इलेक्ट्रॉन्स की बौछार बुला सकते हैं कैथोड की। तो जब इससे टकराती है तो एक्चुअल में नियम तो कहता है कि टकराने के बाद वापस आनी चाहिए, लेकिन नहीं, इसका नेचर बदल जाता है और इसके बाद यहां से जो तरंगें रिफ्लेक्ट होती हैं यही कौन होती है, आपकी एक्सरे। तो ये पूरी प्रोसेस दुनिया में सबसे पहले किसने इजाद की थी, विलहेम रॉन्टजन। इसीलिए कहा जाता है कि एक्सरे की खोज किसने की थी, विलहेम रॉन्टजन, और इसका नामकरण भी किसने किया था, विलहेम रॉन्टजन। चलिए आज के लिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, इसी को हम क्या बुलाते हैं, डबल आईएससी। ये आपका पीजी कोर्स करवाता है और नो डाउट पीजी के क्षेत्र में भारत का नंबर वन इंस्टीट्यूट कहा जाता है डबल आईएससी बेंगलोर। तो भाई डबल आईएससी बेंगलोर किसके प्रयासों से और कब हुआ था, तो देखो भाई वो दौर में स्थापित हो चुका था जब हमारे यहां ब्रिटिश हुकूमत थी, और ऐसे में भारत के एक व्यक्ति कहें या अमर व्यक्तित्व कहें, उन्होंने कहा कि भारत में एक ऐसा संस्थान होना चाहिए जो विश्वव्यापी हो। क्योंकि उस समय दुनिया में ज्यादातर जब भी अच्छी इंजीनियरिंग करनी होती थी या पढ़ाई करनी होती थी तो हमारे भारतीय वैज्ञानिकों को विदेश जाना पड़ता था,
और वहीं अच्छे कॉलेजेस के ऑफर मिल जाते थे तो कई बार वो विदेशों में ही सेटल हो जाते थे। लेकिन भारत में भी स्टूडेंट्स को ऐसी सुविधाएं मिल सके तो इसके लिए पूरा क्रेडिट जिस व्यक्ति को जाता है वो है जमशेद जी टाटा, जिन्होंने जमशेदपुर शहर बसाया था आपके झारखंड का, उन्हीं ने बेटा पूरा क्रेडिट जाता है कि 1909 में इनके प्रयासों से किसकी स्थापना हुई है, IISc। ठीक है, तो चलिए भाई आज के सेशन में इतना ही रहेगा। आई होप ये आपका पूरा का पूरा सेशन काफी यूजफुल हो, फ्रूटफुल हो, और आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहे और जल्दी से जल्दी एक बढ़िया प्रशासनिक अधिकारी बने। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।